इसी में कुछ और स्पेशल इफेक्ट, विंडो लेयर। अब इसके ऊपर एक नया लेयर लिया, ठीक है। यहाँ हम कोई भी कलर लिया और यहाँ पे हम सेंटर से ही, हम पेज के सेंटर से हम ग्रेडियंट कलर रख लिया, फिल्टर डिस्टॉर्ट, इसमें फिल्टर नॉइज ऐड नॉइज, हम कुछ नॉइज दिए, ठीक है। फिल्टर डिस्टॉर्ट पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट देते हैं तो सेंटर से चारों ओर, ठीक है, यह चला जाता है। या फिल्टर के अंदर ब्लर, यहाँ रेडियल ब्लर जूम देके आप सेंटर से चारों ओर इसको स्ट्रेच कर दीजिए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम डिसेचुरेट, इमेज एडजस्टमेंट डिसेचुरेट करना चाहें तो डिसेचुरेट, ब्लैक एंड वाइट कर दिए, और इसको ओवरलैप ओवरले लेते हुए इस चीज़ को सेंटर इसके आँख के पास, ठीक है। एडिट फ्री ट्रांसफॉर्म, फाइल को और बड़ा कर लिया, ठीक है, ये लाइट लिए। अब इस लाइट में हम इस जगह पे जो आई फिर बनाए थे, हम इस जगह जो आई का लेयर था वो भी यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन फिदर सिलेक्शन डिसलेक्ट, चार लाइट निकालें, और चाहे तो आप इसके नीचे या ऊपर यहाँ फिल्टर न्यू लेयर डुप्लीकेट लेयर कर लीजिए, डुप्लीकेट लेयर फिल्टर रेंडर लेंस फ्लेयर, और यहाँ से आप फाइल सेव, उस लेयर को लीजिए, इसको ऐसे दिखाइए, इसको केवल ऐसे दिखाइए, ठीक। तो अलग अलग इसका ब्लैक एंड वाइट पोर्शन हटा दिए, केवल ये पोर्शन रहने दिए, ठीक। तो ओरिजिनल ये फोटो है, ब्लैक एंड वाइट हुआ हल्का सा। इस लेयर को और ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं तो परसेंटेज बढ़ा दिए थोड़ा सा, आई स्पॉट ब्लैक स्पॉट लाइटिंग, और यहाँ ठीक है। इसके ऊपर न्यू लेयर, ओके, लाइटिंग इफेक्ट हम यहाँ से यहाँ तक का फिल्टर रेंडर डिफरेंस क्लाउड इमेज एडजस्टमेंट इन्वर्ट इन्वर्ट इमेज एडजस्टमेंट
लेबल, और इस चीज को आप इमेज फिल्टर डिफरेंस क्लाउड इमेज एडजस्टमेंट इन्वर्ट इमेज एडजस्टमेंट लेबल इस चीज को आप इधर की ओर किए और ये इमेज एडजस्टमेंट यू सैचुरेशंस कलराइज और ये आप ब्लू क्लाउड के साथ यहाँ ओवरलैप या स्क्रीन ठीक तो ये लाइट आप चाहें तो इस ये चीज आप ठीक फाइल सेव